गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई अभी सुबह का टाइम हुआ है 5:30 का और मैं जल्दी उठ गई थी, काफ़ी देर हो गई मेरे को उठे हुए। तो अभी बस मैंने चाय बना के पी ली है, बच्चों का जो नाश्ता वगैरह है वो करा दिया है और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे कढ़ी और पकौड़े सुबह सुबह, क्योंकि सब्जी वगैरह देखो रखी हुई थी बट बोर हो चुकी थी, कढ़ी बनाए बहुत दिन हो गए थे तो मैं सोच रही आज कढ़ी बना लूँ, क्योंकि कल घर से लस्सी आई थी। किचन की हालत अभी के लिए फ़िलहाल है ऐसी, बर्तन वहाँ रखे हुए हैं, मैंने धोए नहीं है, ये देखो पूरा सिस्टम। तड़का कड़ी में और ऊपर आपको दिख रही है लिजर्ड, ये देखो ये लिजर्ड हमेशा यही रहती है, जो पाइप है, जो पाइप है ना इसके पीछे रहती है हमेशा, एक शायद इसकी यहाँ भी रहती है इसके पीछे, जो विंडो है ना इसके पीछे, और वो देखो छुपने की कोशिश कर रही है लेकिन आपको दिख रही होगी, देखो ये तो भाई ये कहीं नहीं जाएगी, ये है। और मेरे को लगता है इससे बहुत ज़्यादा डर, बहुत डर लगता है भाई मेरे को लिजर्ड से, पता नहीं क्यों, तो बट ये कहीं नहीं जाने वाली, नहीं रहेगी दादा। मेरे को इसलिए डर लगता है कभी खाने वाने में ना डल जाए, क्योंकि खाना बनाती रहती है और इसके ऊपर ही रहती है, तो मेरे को बहुत डर लगता है, कई बार भगा भी दिया इसको बट फिर आ जाती है, पता नहीं क्यों इसको यही ज़्यादा पसंद आ रही है भाई। तो यहाँ पे फ्रेश कढ़ी मेरी बन चुकी है, अब मैं बना रही हूँ रोटी पराठे, तो फटाफट से बना के और जो लंच बॉक्स है वो पैक कर दूँगी दक्षिता का, क्योंकि विनीत तो जा नहीं रहे, दक्षिता आ जाएगी अकेली ही। तो भाई अभी मैं दक्षिता को छोड़ने जा रही हूँ, टाइम हो चुका है, आके मिलती हूँ। तो अभी फाइनली भाई मैं आज की हूँ दक्षिणा को छोड़ के, और बादल हो गए हैं फिर से आज बाहर, लगता है फिर से बारिश आएगी। और खाना मैंने बना लिया है, अभी सिर्फ किचन की है क्लीनिंग करनी है और बर्तन साफ करने, सारे डस्टिंग झाड़ू पोछा नहाना धोना जो भी है सारा काम पेंडिंग बचता है, सिर्फ हमने अपना नाश्ता वास्ता कर लिया है और खाना बना लिया है। खाना हमारे यहाँ जल्दी बन जाता है, ये नहीं कि दोपहर में लंच बनेगा अलग से, मतलब जब आपका मन करे तब आप बना के खा सकते हो, लेकिन मोस्टली हम 10 बजे से पहले पहले अपना जो लंच लगा लो कुछ भी लगा लो वो कर लेते हैं, उसके बाद तो घर में कुछ फ्रूट वगैरह फिर चाय के साथ अपना जो भी कुछ है वो चलता रहता है, ऐसे बात नहीं, जब भी भूख लगे आप कुछ भी खा सकते हो, जल्दी लेके आप रोटियाँ ही खाओ पूरे दिन। तो यहाँ पर वैसे भी मैं उसको छोड़ के आ चुकी हूँ, फटाफट से लगते हैं काम पे, विनीत गया नहीं हुआ स्कूल क्योंकि विनीत की तबीयत हो रही है खराब, उसको आई फ्लू हो रहा है, 2-3 दिन हो, 3रा दिन है आज उसको स्कूल नहीं जा रहा, वो स्कूल में भी मना किया हुआ है कि भाई जिन बच्चों को आई फ्लू हो रहा है ना स्कूल में ना आए, तो इस वजह से मैंने इसको आज भी नहीं भेजा, आज फ्राइडे है और सैटरडे। तो यहाँ पे भाई अभी हम थोड़ी देर के लिए लेट गए हैं क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सच में, मतलब ये मन करता है कि इस वाले रूम से निकले ही ना, एसी में बैठे रहे पूरे दिन, सुबह सुबह भी इतनी गर्मी और उमसी हो रही है बाहर, और बादल भी हो गए हैं, शायद बारिश भी आएगी। तो अभी बस मैंने डस्टिंग की है और किचन ऐसे ही पड़ी हुई है जैसे थी भाई, अभी मैंने किचन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खाना बनाया था, तभी मैं उसको क्लीन करूँगी, बर्तन वॉश करूँगी और झाड़ू पोछा जो भी है। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि आ गया था अभी हस्बैंड का फ़ोन, और आप सभी को पता है भाई नूह में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है, देखो जो भी कर रहे हैं, मतलब ये है कि भाई कोई तीसरा बंदा ही करा रहा होता है और ये आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं, ये चीज़ें गलत है, देखो इतना सोच तो होनी चाहिए, नहीं सभी को पता है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया और फिर बहुत स्टिकनेस चल रही है अभी वहाँ पे, तो जिस वजह से ड्यूटी वगैरह लगाई हुई है सभी की, काफ़ी सारी फोर्स आई हुई है वहाँ पे, तो बहुत ही मतलब बेकार सा माहौल है अभी फ़िलहाल, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं अभी भी एज इट इज माहौल बना हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ शांत हुआ है, और काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उनको नुकसान पहुँचाया गया है, आप सभी को पता है, देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में, तो ये चीज़ें गलत है भाई, छोटे भी आई हैं, एक दो लोग शहीद भी हो गए हैं, तो देखो इनकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है ना, बहुत गलत चीज़ें हो रही है ये, आप सभी को पता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हुआ है भाई, देखते हैं धीरे धीरे निकलेंगे इस स्थिति से, है ना, मतलब कोई करा रहा होता है, जो लोग करा रहे होते हैं वो आराम से अपने एसी वगैरह में बैठे रहते हैं और ये पब्लिक है आपस में लड़ लड़ के ये मरते रहते हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता इन लोगों की कैसी बुद्धि है। तो भाई चलो चलते हैं किचन में, और अभी मेरे फ़ोन में ना चार्जिंग भी कम है तो मैं अभी थोड़ा सा चार्ज भी करूँगी, विनीत यहाँ पे बैठा है, विनीत स्कूल नहीं गया तो बेटा अपना घर बैठ के पढ़ाई कर ले,
ऐसे टाइम वेस्ट मत कर। ये अभी भाई नहा के आया है और इसको हो रहा है आई फ्लू, तो इसलिए स्कूल तो गया नहीं है, बट ये लग रहा है गेम में। देखो आई फ्लू हो रहा है फिर भी गेम में लग रहा है। ये देखो नहा तो लिया, ये क्या भाई क्या चक्कर है? दो दिन से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बिल्कुल रह रहे आज थोड़ा सा फर्क है, बट मैंने इसको भेजा ही नहीं क्योंकि टीचरों ने भी बना कर रखी है भाई जिनको आई फ्लू हो रहा है ना वो स्कूल में ना आओ। मोस्टली बच्चों को हो रही है स्कूल में, इसलिए इनको वह छुट्टी दे दी है कि भाई अपने घर रहो जब तक ठीक नहीं होते हैं, इसलिए अपने घर इसकी मौज आ रही है, अपने पूरे दिन इसी में पड़ा रहता है ना। बट मोबाइल देखो उतना ही देख रहा है, इसको ये नहीं है कि मेरे आँख में प्रॉब्लम है, तो कभी मोबाइल देखता है कभी टीवी चला लेता है, ऐसा यही चलता रहता है। चल इसको रख दे अब, चल अपना पढ़ ले। मैं जाती हूँ भाई अपना, मैं चलती हूँ किचन में और विनीत करेगा भाई अपनी पढ़ाई, फिर खाना तो बाद में खाएंगे, अभी तो सुबह सुबह भूख है नहीं। जो भी काम है अपना कर लेते हैं फटाफट से ना। ये क्या हो गया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे जितने भी सामान रखा हुआ था भाई उनको उठा के रख दूंगी, अपने जो गैस वगैरह है उनको साफ़ कर देंगे, स्लैब साफ़ कर देंगे, पूरी क्लीनिंग है जो उसकी अच्छे से कर दूंगी दो तीन बार। और यहाँ पे बस अभी सिर्फ मेरे को वॉश करने हैं बर्तन, तो पूरा जो स्लैब है वो मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। और इसमें यही रहता है गर्मियों के टाइम में अगर थोड़ा सा भी आटा या कुछ डला हुआ होता है ना तो चींटियाँ आ जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और इस तरह से जो ये सनमाइका है हमारी, इसको मेरे को डेली ही साफ़ करना पड़ता है गीले सूखे कपड़े से, तो ये मैं डेली करती हूँ। एक दिन भी ना करूँ तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता, और पानी के फिर छींटे वगैरह लगते हैं ना तो ऐसे ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो फ्रिज के ऊपर मैंने रख रखा था एक कपड़ा, वो भी मैंने धो दिया है, साफ़ कर दिया है उसको भी अच्छे से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी सामान होता है ना उठा के फ्रिज पे ही रख देते हैं बच्चे, मोस्टली ऐसा करते हैं, फिर मैं उनको उठा के रखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ कुछ रखा हुआ। तो यहाँ पे बस पूरी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बर्तन भी काफ़ी हो चुके थे क्योंकि सुबह दूध चाय के थे, वो बर्तन भी थे, खाने के भी थे, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे। तो फटाफट से बस अभी मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं। अब यहाँ पे सिंक है उसको भी एक बार साफ़ कर दूँगी, जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो मैं सिंक को ज़रूर साफ़ करती हूँ अच्छे से, अच्छा नहीं लगता फिर थोड़ा सा मैसी मैसी सा, तो बिल्कुल चमक चुका है सिंक में मेरा। तो भाई यहाँ पे किचन की क्लीनिंग है वो हो चुकी है, सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए मैंने, और अभी गीजर को बंद कर देती हूँ, लाइट भी बंद कर दी है, और यहाँ पे ये देखो पूरी किचन नीट एंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स किचन की क्लीनिंग करने के बाद अभी किचन का सारा काम फिनिश हो चुका है, अभी मैं जो वॉश बेसिन है इसको साफ कर दूंगी। और जो यहाँ पे मिरर लगा हुआ था ना इसमें भी ये होते कि बच्चे पानी के छिट्टे वगैरह डाल देते हैं, तो ये भी मेरे को डेली ही साफ़ करना पड़ता है। तो अभी बस मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी, डस्टिंग भी कर दी थी, फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और विनीत अपने बैठ के आराम से देख रहा है टीवी, पोछा लगाने के बाद बस सिर्फ मेरे को नहाना है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि यही होता है कि भाई कोई से भी काम आप कभी भी कर लो, कोई पहले कर लो बाद में कर लो, कर लें तो खुद को ही होते हैं, तो जो भी हमें सूटेबल लगता है कि भाई ये काम पहले करना चाहिए बाद में उस हिसाब से हम कर लेते हैं। और ये डेली के ही काम होते हैं हाउस वाइफ के, मतलब ये नहीं है कि भाई डेली हम कोई नई नई चीज़ें दिखाएं, जो भी हमारी हाउस वाइफ की डेली जो रूटीन होते हैं यही होते हैं, सभी को पता है। भाई फाइनली काम हो चुका है सारा फिनिश, अभी बस मैं जस्ट नहा के आऊँगी फिर हम खाना खाएँगे। तो घर की क्लीनिंग वगैरह सारी हो चुकी है और बाहर है ना बादल से हो रहे हैं, तो भाई अभी मैं नहाती हूँ उसके बाद। तो भाई अभी फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ, विनीत है अंदर टीवी देख रहा है, वो बैठा देखो दिख रहा है कि नहीं, दरवाज़ा बंद हो गया। और अभी बस सारा काम फाइनली हो चुका है, कपड़े वगैरह भी धुल गए, और अभी मैं डालूंगी अपना खाना। मैंने काफ़ी देर से वेट कर रहा था तो मैं बोल रही थी कि मैं नहा लेती हूँ उसके बाद खाएंगे, तो अभी फटाफट से खाना गर्म कर लेती हूँ। मैंने बना तो उसी टाइम लिया था क्योंकि फिर बाद में ही रहता है, किचन भी साफ़ नहीं हो पाती है ना अगर खाना ना बनाए तो। यहाँ पे भाई प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखो यहाँ पे मैंने कड़ी पकोड़े ले लिए हैं, कटहल की सब्जी, घिया का रायता, मिर्च और रोटियाँ, ठीक है। दही भी रखी हुई है बट मैं नहीं ले रही क्योंकि रायता है तो फिर दही की रिक्वायरमेंट नहीं है, और दही रखी हुई है आज तो ऐसे ही, अचार भी मैंने नहीं लिया। तो ये फाइनली हमारी प्लेट है वो रेडी हो चुकी है, अब आराम से अंदर। कटहल की सब्जी भाई बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो फटाफट से रोटियाँ मैं दो ही खाती हूँ भाई, तो अभी फटाफट से खाते हैं खाना गर्म गर्म एसी में बैठ के आराम से। चलो क्या कर रहा है ये देखो भाई कैसे टीवी में मस्त हो रहा है। अभी मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। ऐसे क्यों फेंक रहा है, कहाँ फेंक रहा है? बिल्ली थी भाई और ना सूखी रोटी डली हुई थी उसको खा रही थी, बेचारी भूखी थी, अभी डालना उसको खाना, दूध डालेंगे थोड़ी देर में। और अभी यहाँ भी बना रही हूँ चाय नमकीन, तो ये मैं चाय के साथ खाऊंगी। और ये मोटी वाली नमकीन होती है ना ये मुझे बहुत पसंद है भाई, बहुत टेस्टी लगती है, बीकानेरी भी अच्छी लगती है, और ये वाली भी। तो अभी ये है फिलहाल, बीकानेरी भी रखी हुई है वैसे तो, है ना। अभी चाय बन रही है फटाफट से।
अच्छी खासी नींद ली 2-3 घंटे की आराम से नहाने के बाद, और अभी उठे हैं, कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखे हैं, और अभी बन रही है हमारी चाय। टाइम हुआ है 3 बजे का। रख तो लिए, ये ले ली बेटा मैंने, इसकी मौज आ रही है भाई। ये अपने घर पड़ा रहता है सारा दिन, पढ़ता तो है नहीं सिस्टम, वो तो गया भाई अपना वो लेके फटाफट से। और भाई है ना, मैं आपको बताऊं दे हुआ क्या, ये देखो यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये देखो ये सारा हुआ क्या, इसकी ब्लैक वायर थी पहले, अब आपको वाइट लग रही होगी, पहले ब्लैक थी। तो 2-3 दिन पहले की बात है, मैं सुबह सुबह ना खाना बना रही थी, तो यहाँ पे सब्जी बन रही थी और गैस पे बना रही थी मैं पराठे, और एकदम से पता भी नहीं चला इतनी तेज मतलब आग लग गई इसमें ऊपर तक, ये पूरी वायर है ना फट गई, बिल्कुल पूरी वायर फट गई। बहुत मुश्किल से मतलब ये लगा लो बचा हुआ, भाई समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। तो भाई बिजली के इस तरह के कोई सिस्टम होते हैं ना, तो उनके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ नहीं पता, बिजली का कोई भरोसा नहीं है भाई। ये देखो भाई, आप लोग भी पी लो चाय गर्मा गर्म, और यहाँ पे तो है गर्मी। चलते हैं अंदर, और खाने में आज कुछ खास बनाना नहीं है, क्योंकि कढ़ी पकौड़े बनाए थे ना काफ़ी सारे रखे हुए हैं, सिर्फ मेरे को राइस बनाने हैं, जीरा राइस। ओके, तो अभी भाई टाइम हुआ है क्या, टोकी खुद खा ले, मैं खा ली बहुत, कोई बात नहीं, मुझे मतलब अच्छी लगती है। क्या हो गया, इसलिए 7:30 का टाइम हुआ है, ये देखो, और पूजा हो चुकी है, अभी पूजा मैंने कर ली, और सेक बना के रख दिया है, दही है वो जमा दी है, राइस बन चुके हैं, और कढ़ी है ना काफ़ी क्वांटिटी में रखी हुई है, देखो तो काफ़ी रह गई हमें, राइस बन गए हैं, ठीक है। दक्षिता ने तो खा भी लिया है खाना, क्योंकि उसकी क्लास थी फिर ऑनलाइन, तो अभी दक्षिता ले रही है क्लास रूम में, काम सारा हो चुका है, अभी सिर्फ क्या करना है, बच्चों का होमवर्क भी करा दिया था, खाना खाना है और काम फिनिश। देखो तो चलिए भाई, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे बंद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।